और असम के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। बंगाल में और असम में पीएम मोदी की दो रैलियां होंगी। मेदिनीपुर जिले के कांदी में सुबह 11 बजे पीएम की रैली होगी, 3 बजे असम के बेपुरिया में पीएम मोदी की जनसभा होगी और असम के सिपझार में 5:15 को पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली होगी। तो देखिए प्रधानमंत्री कहां पर कितने बजे रैली करेंगे, उनका पूरा स्केड्यूल हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली यहां पर प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। बंगाल और असम दोनों ही जगह, क्योंकि इलेक्शन और ऐसे में दोनों ही जगह प्रधानमंत्री की रैलियां होनी है। मोदी की हुंकार से टीएमसी में हाहाकार। सुन लिया दीदी, रैलियों का रण, मोदी का विजय प्रण। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार की अवधि खत्म हो रही है, वैसे वैसे राज्य का चुनावी पारा उफान पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बंगाल और फिर असम चुनाव के लिए हुंकार भरेंगे। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जिले के कांथी में सुबह 11 बजे पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो असम जाएंगे, जहां करीब 3 बजे बिहपुरिया में जनसभा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सिपझार में शाम करीब 5:15 रैली करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पीएम की ये रैली बंगाल चुनाव का गेम चेंजर साबित होगी। दूसरी तरफ अधिकारी परिवार के दिव्येंदु अधिकारी पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि तमलुक लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी पीएम के साथ मंच साझा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि सुवेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी को बीजेपी की तरफ से निमंत्रण मिला है, लेकिन इस मसले पर अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। कांथी लोकसभा सीट का नंदीग्राम से खास कनेक्शन है। कांथी से शिशिर अधिकारी सांसद हैं। यहां पर पीएम मोदी अपनी रैली में एक साथ कई निशाने साधेंगे। 2 महीने के दौरान पीएम मोदी की 8वीं बंगाल यात्रा होगी। इससे पहले पीएम ने 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान, 18 मार्च को पुरुलिया, 20 को खड़गपुर और 21 को बांकुड़ा में रैली की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में तेज हुई किंग और किंग मेकर की लड़ाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बांकुड़ा जिले में आज 3 रैलियां होनी है। दोपहर 12:30 विष्णुपुर में ममता रैली को संबोधित करें। तो वहीं बांकुड़ा के उंदा ग्राम में दोपहर 2 बजे दीदी की रैली होनी है। दोपहर 3 बजे ममता बांकुड़ा मुख्यालय में जनसभा करेंगी। एक के बाद एक 3 रैलियां आज ममता बनर्जी करेंगी। जनता को साथ देके एक बार फिर से कोशिश, लगातार रैलियों का रैला हो रहा है। और आज कितने बजे कहां पर ममता बनर्जी की फिर से जो 3 रैलियां होनी है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। कांती में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हुए रैलियां करती हुई नजर आएंगी। मोदी दादा वर्सेस ममता दीदी, पंग की जंग में सबसे बड़ी फाइट। मोदी 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 की एंट्री से घबराई दीदी की सेना। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में किसकी होगी सत्ता और कौन बनेगा किंग मेकर, इसकी भी लड़ाई तेज हो गई है। वहीं सुबह की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भी बांकुड़ा जिले में 3 रैलियां करेंगी। ममता बनर्जी दोपहर 12:30 बिशुनपुर में रैली करेंगी। इसके बाद वो ओंदा ग्राम में दोपहर 2 बजे रैली करेंगी और आज दोपहर 3 बजे वो बांकुड़ा में रैली करेंगी। बीजेपी भापचिल ममता तो पाए मेरे हमरा ओके तो चोट कर दिए ओ तो बेरोते पारबे ना आमाके तो चेने ना আমি এক পা দিয়ে যা শট মারতে পারি না ওদের পুরো মাঠ থেকে ফাঁকা করে ছেড়ে দেব। पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव प्रचार खत्म होने में अब महज 48 घंटे से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में दिग्गज नेता जनता से वोट मांगने के लिए एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। 27 मार्च को सूबे में होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अमित शाह की आज हुंकार आपको सुनाई देगी। दरअसल किस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं ये अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में सीए लागू करके रहेंगे। घुसपैठियों का जिक्र एक बार फिर से अमित शाह ने किया और उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बंगाल से बाहर खदेड़ कर ही दम लेंगे, शरणार्थियों को उनका हक दिलाकर रहेंगे, दीदी में दम है तो सीएए को रोक कर दिखाएंगे, बात अमित शाह ने कही।
एक बार फिर से सीए को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को यहां पर अमित शाह ने दोहराते हुए कहा है कि शरणार्थियों को नागरिकता हम देके रहेंगे, सीएए लागू करके रहेंगे। चुनौती ममता बनर्जी को एक बार फिर से अमित शाह ने दी है। घुसपैठियों का जिक्र एक बार फिर से किया है क्योंकि घुसपैठी ममता बनर्जी के वोट बैंक के आरोप बीजेपी लगाती रही है और उन्हें शरण देने का काम टीएमसी ने अपने शासनकाल में किया है। इसीलिए चुनाव के दरमियान बार बार इस मुद्दे को जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी रखने की कोशिश कर रही है। अमित शाह जब बंगाल पहुंचे तो एक बार फिर से उन्होंने क्या बड़ी बातें कही उसे समझने की कोशिश कीजिए। चार तस्वीरों के जरिए घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है बंगाल, इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। घुसपैठ रोकने की बात कही और घुसपैठियों के समर्थन में दीदी हैं, इस बात को भी उन्होंने जनता के सामने रखा। 55 साल बदहाल बंगाल, 55 साल की लूटपाट का हिसाब होगा। जी हां, इस बार विधानसभा चुनाव में बंगाल 55 साल का हिसाब किताब ध्यान में रखकर वोट डालने निकलेगा। वो 55 साल जो घुसपैठ और घुसपैठियों पर लुटाए गए प्यार के चलते बर्बाद हो गए, वो 55 साल जो विकास की बाढ़ जोहते जोहते बीत गए, वो 55 साल जो ये सवाल करने में बीत गए कि आखिर बंगाल को घुसपैठ और घुसपैठियों से मुक्ति कब मिलेगी। 55 साल से बंगाल में डाउन चल रहे विकास की याद पीएम मोदी भी दिला रहे हैं। दुनिया में तो 50-55 मिनट, ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई, यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। बंगाल में डाउन हुए विकास की सबसे बड़ी वजह है घुसपैठिए, जो बाहर से आए और बंगाल के हक पर डाका डालकर बैठ गए। बंगाल पिछले करीब 2 दशक से घुसपैठियों का सबसे महफूज ठिकाना बना हुआ है। एक आंकड़े के मुताबिक हिंदुस्तान में कुल 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनमें से अकेले 1 करोड़ बंगाल में रह रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि बंगाल की पूरी डेमोग्राफी ही चेंज हो चुकी है। आजादी के वक्त 1947 में बंगाल में मुस्लिम आबादी 19% थी, जो 2011 के सेंसस में बढ़कर 27% हो गई। आज मोटे अनुमान के मुताबिक बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। आलम यह है कि बंगाल के 4 जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा, कूच बिहार और उत्तरी दिनाजपुर में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सीए लाने का वादा कर इन घुसपैठियों को बाहर खदेड़कर हालातों को बदलने की बात कही है। हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए, ये देख लियो यूपीएस जोर से बोलो जरा, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए। दीदी रोक सकती है क्या, बाबू को बोल दो, रोक सकती है क्या? अरे आप भाजपा बना की सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मर पाए ऐसी व्यवस्था। मित्रों, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? भाई मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना। हम सीए को लागू कर सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये वादा डंके की चोट पर बंगाली मानुष से किया है, वो ये कि बंगाल में रह रहे अवैध घुसपैठियों को 1 इंच जमीन भी बंगाल नहीं देगा। बंगाल के संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ बंगाली मानुष का ही अधिकार होगा, तभी 55 साल से डाउन विकास का मीटर अप होगा और सोनार बांग्ला का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घुसपैठियों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर टीएमसी बार बार घिरते रही है, लेकिन इसी मुद्दे को इस बार जनता के बीच ले जाकर बीजेपी टीएमसी को चोट कर रही है। लेकिन घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर बंगाल के सत्ता में आई ममता दीदी को सीएए का डर भी सताने लगा है और इसीलिए वो बार बार ये दावा कर रही है कि वो बंगाल में सीएए नहीं आने देगी, लेकिन अब बीजेपी उन्हें इसी मुद्दे पर घेर रही है। 55 साल बदलाव मांगे बंगाल, मेरे बंगाल को घुसपैठ से मुक्ति कब, मेरे बंगाल को गरीबी से मुक्ति कब, मेरे बंगाल को दहशत से मुक्ति कब। इस चुनाव में हर बंगाली यही सवाल कर रहा है, 55 साल से आखिर बंगाल विकास की पटरी पर क्यों नहीं दौड़ पाया, घुसपैठियों का अड्डा बना बंगाल आखिर विकास की दौड़ में क्यों पीछे छूट गया।
इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है और वो है घुसपैठ और घुसपैठिए। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी आबादी कब्जा जमा कर बैठी। पहले ये आबादी लेफ्ट पार्टियों का वोट बैंक हुआ करती थी, अब दीदी का है। ये खत्म हुआ तो दीदी का खेल खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि दीदी बंगाल से नहीं घुसपैठियों से हमदर्दी दिखा रही हैं। बांग्ला तो भय भय बार बार बोले भय पेओ ना तुम्हारे गाय में हाथ लगाते देवो ना। बंगाल को बांग्लादेश बनने का साजिश चल रही है, इसको रोकना पड़ेगा और नहीं तो खाली बंगाल नहीं पूरा देश का सुरक्षा वो खतरे में पड़ जाएगा। बंगाल में सीए लागू हुआ तो दीदी का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर जाना होगा। बीजेपी इसका संकल्प ले चुकी है, लिहाजा दीदी का पारा हाई है। वो बंगाल में बाहरी और बंगाली के मुद्दे को हवा दे रही, आरोप लगा रही है कि बीजेपी बाहर से लोगों को लाकर प्रचार करवा रही है। ये अलग बात है कि इन आरोपों पर खुद उनकी पोल पट्टी खोल रही है। ये तो लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में बांग्लादेश से फिरोज को लाया था कैंपेनिंग के लिए, रोहिंगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों दामाद है और गुजरात उत्तर प्रदेश दिल्ली से आया लोग घुसपैठिया है। माँ माटी मानुस की बात करने वाली दीदी ने घुसपैठियों के वोट बैंक के लिए माँ माटी मानुस को ही दांव पर लगा दिया है। लेकिन इस बार बंगाली मानुस परिवर्तन के संकल्प के साथ मैदान में है। वो 55 साल की लूटपाट का हिसाब लेने को तैयार दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आपको बंग की जंग में एक और बड़ी खबर बता दें। आज से टीएमसी सांसद नुसरत जहां मैदान में उतरेंगी। खड़गपुर के डेबरा में आज नुसरत जहां रोड शो करेंगे। गोलग्राम बाजार इलाके में नुसरत जहां का रोड शो होगा। डेबरा सीट पर बंगाल के दो पूर्व आईपीएस अफसरों के बीच जंग है। टीएमसी के हुमायूं कबीर और बीजेपी के भारती घोष आमने सामने हैं। आपको ये भी बता दें कि हुमायूं कबीर के लिए नुसरत जहां रोड शो करेंगे, उन्हीं के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और उन्हीं के लिए वोट भी मांगेंगे।